हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। किरण बेकिंग एंड कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग बनाएंगे फ्रेंड्स एकदम टेस्टी टेस्टी चटपटा तीखा कटोरी भेल, जो कि कटोरी हम लोग मार्केट से नहीं लाएंगे फ्रेंड्स, घर पे बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है कटोरी भेल। कटोरी भेल बनाने के लिए फ्रेंड्स ये हम लोग रोटी ले लिए हैं, जो कि घर में बच जाता है, कोई खाना नहीं चाहता है। हम लोग इस रोटी से कटोरी बनाने वाले हैं। ये रोटी थोड़ी बड़ी बड़ी है फ्रेंड्स, तो इसको छोटे साइज में बना लीजिए रोटी, या फिर इसको कट करके थोड़ा छोटा साइज बना लीजिए, या तो ग्लास से रख के आप कट कर सकते हैं। तो मेरे पास बड़ा ग्लास अभी नहीं है फ्रेंड्स, तो ये मिक्सर का बर्तन है, तो इसको इस तरह रख करके एक गोल साइज का रोटी कट कर लेंगे इस तरह चाकू से। और ये देखिए फ्रेंड्स, सब इसी साइज का बना लेंगे। और ये देखिए, सभी रोटी को एक साइज का कट कर लिए हैं। और अब ये छोटी साइज का एक ग्लास ले लिए हैं फ्रेंड्स, और उसके ये पीछे साइड में थोड़ा तेल ग्रीस कर देंगे। रोटी को फ्रेंड्स इस तरह बीच में रख करके इसको इस तरह कटोरी जैसा बना देंगे, और साइड साइड से इस तरह फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, और अब इस कटोरी को ऐसे ही शेप में रहने के लिए फ्रेंड्स एक धागा लेकर के इसको अच्छे से बांध देंगे। ताकि ये खुले नहीं, कटोरी के शेप में ही रहे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए, और अब गैस पे तेल गरम होने के लिए रख दिए हैं फ्रेंड्स। तेल अच्छे से गरम हो गया है, अब हम लोग इसमें ये ग्लास को डिप कर देंगे। और ये ग्लास को घुमा घुमा के फ्रेंड्स चारों साइड से ब्राउन कर लेना है। और इस ग्लास को फ्रेंड्स कुछ चिमटे के सहायता से कीजिए, ये ग्लास गरम हो जाता है तो हाथ जल जाएगा। और इस तरह कर करके चारों साइड से ब्राउन कर लीजिए। लाइट ब्राउन कलर आ गया है फ्रेंड्स। अब हम लोग क्या करेंगे, ये ग्लास को इस तरह पकड़ के एक चाकू या चम्मच ले करके इसको दोनों साइड से इस तरह से ग्लास से बाहर निकाल लेंगे। और इसको इस तरह पलट के ब्राउन कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, कटोरी हमारा बनके तैयार है। और ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरा भी बनके तैयार हो गया। और अब ठंडा करके इसका धागा निकाल लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स,
कटोरी हमारा ठंडा हो गया, अब इसका धागा निकाल लेंगे। संभाल के ये टूटे नहीं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कटोरी हमारा बन के तैयार है। अब एकदम चटपटा सा तीखा सा भेल तैयार कर लेते हैं। एक बड़े बाउल में ये कुरमुरा ले लेंगे और उसमें ये प्याज बारीक काट के, टमाटर, ये कच्चे आम का छोटा छोटा पीस कर लिए हैं इसको दे देंगे, हरी मिर्ची, रोस्टेड चना, रोस्टेड मूंगफली, ये बारीक वाला सेव, मोटा वाला सेव, धनिया पत्ता, एक चम्मच सरसों का तेल, नींबू का रस और ये काला नमक। काला नमक ही दीजिए फ्रेंड्स, भेल में बहुत अच्छा टेस्ट लाता है काला नमक। और अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें टोमेटो सॉस और आधा चम्मच चिली सॉस, और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये सॉस बाद में ही ऐड कीजिए फ्रेंड्स, नहीं तो कुरमुरा आपका एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। और ये देखिए चटपटा सा भेल बनके तैयार हो गया। और अब इस कटोरी में फ्रेंड्स भेल को इस तरह दे देंगे। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा बारीक सेव डाल देंगे ऊपर से। और ये फ्रेंड्स रेडी हो गया तीखा सा चटपटा सा कटोरी भेल।